दोस्तों कल बालवीर 4 का प्रोमो लॉन्च किया गया है और बालवीर 4 इसी 6 मई से स्टार्ट होने वाला है। लेकिन दोस्तों इस बार इस फ्रेंचाइजी के साथ एक बड़ा बदलाव किया गया है और वो बदलाव ये है कि अब बालवीर एक टीवी शो नहीं रहा है बल्कि इसे एक वेब सीरीज बना दिया गया है और बालवीर 4 के जो एपिसोड होंगे उन्हें टीवी पर नहीं बल्कि केवल सोनी लिव ऐप पर टेलीकास्ट किया जाएगा। लेकिन दोस्तों इस चीज से काफी सारे फैंस नाराज है और उनका सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है, इससे इस फ्रेंचाइजी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा और बालवीर 4 के बाद बालवीर के और भी सीजन आएंगे या फिर नहीं। तो चलिए आज हम इन सभी बारे में बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि टीवी पर क्यों नहीं केवल सोनी लिव पर क्यों। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि बालवीर का जो पिछला सीजन था सीजन 3 उसे टीवी पर स्टार्ट किया गया था और उसे शाम 7 बजे का टाइम स्लॉट दिया गया था। लेकिन बालवीर 3 के साथ हुआ क्या था इससे हम सभी भली भांति अवगत है। बालवीर 3 का टीआरपी आ रहा था 0.2 0.3, जिस टीआरपी पर बालवीर जैसे हाई बजट शो को चलाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी सोनी सब ने बालवीर 3 के 104 एपिसोड निकाल दिए। दोस्तों काफी सारे लोग बोलते हैं कि बालवीर 3 को शाम 7 बजे के टाइम स्लॉट पर जाता था जो कि अच्छा टाइम स्लॉट नहीं है, जिस वजह से बालवीर 3 की टीआरपी अच्छी नहीं आ रही थी। लेकिन मुझे लगता है कि ये सच नहीं है क्योंकि दोस्तों यदि ऐसा होता तो शाम 7 बजे उसी टाइम पर अभी वंशज शो 0.5 0.6 टीआरपी नहीं ला रहा होता। मतलब कि दोस्तों इशू केवल टाइम स्लॉट नहीं था और भी कुछ चीजें थी जिसके बारे में अभी फिलहाल हम बात नहीं करेंगे। अब चलिए टीवी को साइड में रखते हैं, बात करते हैं ओटीटी की। तो दोस्तों बालवीर 3 को टीवी के साथ साथ ओटीटी पर भी दिखाया जाता था और दोस्तों बालवीर 3 को ऑनलाइन बहुत ही ज्यादा प्यार मिला था। बालवीर 3 ऑनलाइन टीआरपी में टॉप 10 शो की लिस्ट में तो होता ही था और दोस्तों खबरों की माने तो सीजन 3 को सोनी सबसे तो नहीं लेकिन हाँ सोनी लिव से अच्छा खासा कमाई हुआ था। और दोस्तों यही कारण है कि बालवीर 4 को अभी ओटीटी पर शिफ्ट कर दिया गया है क्योंकि लोग जब टीवी पर देखना पसंद नहीं करते हैं तो टीवी पर लॉन्च करने से भी कोई फायदा नहीं होता। अब चलिए बात करते हैं कि आखिर इस डिसीजन का इस बालवीर फ्रेंचाइजी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है कि अभी फिलहाल बालवीर 4 को सोनी लिव पर लॉन्च किया जा रहा है और यदि बालवीर 4 से सोनी लिव और मेकर्स को फायदा होता है और यदि उन्हें बालवीर 4 से फायदा होता है तो वो लोग बालवीर के और भी सीजन लाएंगे। लेकिन वहीं पर यदि उन्हें नुकसान होता है तो ये बालवीर का लास्ट सीजन हो सकता है। तो अभी सब कुछ डिपेंड करता है फैंस के सपोर्ट के ऊपर। यदि फैंस का सपोर्ट रहा तब तो सब कुछ ठीक है, लेकिन यदि नहीं रहा तो बस दी एंड। उसके बाद दोस्तों सेकंड पॉइंट है क्वालिटी। मान लीजिए कि यदि बालवीर 4 को सक्सेस मिलता है और यदि उसके बाद सोनी लिव बालवीर का अगला सीजन बनाता है तो यकीन मानिए कि वो सीजन बालवीर के सभी सीजन से बेटर रहेगा। क्योंकि दोस्तों अभी तक बालवीर के जितने भी सीजन आए हैं उन सभी को एक टीवी शो की तरह लाया गया है जिसमें हर रोज लगभग एक एपिसोड दिखाना पड़ता है और दोस्तों हर रोज 20 मिनट का एक एपिसोड तैयार करना बहुत ही ज्यादा टफ चीज होता है और इसी वजह से आपने देखा होगा कि काफी सारे शोज का कुछ एपिसोड्स के बाद स्टोरी काफी ज्यादा बोरिंग और क्रिंज होने लगता है, खास करके जब एक सुपर हीरो शो बनाने की बात आती है तब। लेकिन दोस्तों वहीं पर यदि सोनी लिव बनाता है तो इसके हर सीजन में कुछ लिमिटेड एपिसोड ही आएंगे, 10-15 जो भी हो, और अच्छे वीएफएक्स होंगे, अच्छी कहानी होगी और कहानी को ज्यादा खींचा नहीं जाएगा। मतलब कि दोस्तों ओटीटी पर शिफ्ट करने से कई सारे फायदे हैं। बाकी यहाँ मैं बात कर रहा हूँ सीजन 4 के बाद यदि सोनी लिव कोई सीजन बनाता है उसकी। सीजन 4 के एपिसोड्स तो पहले से ही शूट कर लिए गए हैं जिसके लगभग 100 के आसपास एपिसोड आने वाले हैं। तो दोस्तों बस आगे सब कुछ डिपेंड करता है फैंस के सपोर्ट के ऊपर और मुझे उम्मीद है कि सभी फैंस बालवीर सीजन 4 को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करेंगे। बाकी आज के लिए बस इतना ही। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसके साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो मिलेंगे हम जल्दी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय।